खसरा नंबर एक वाठोड़ा में 19 एकड़ भूमि में स्थापित धरती मां लोक कल्याण सोसायटी के नागरिकों के नियमितीकरण के संबंध में नागपुर सुधार प्रणायम द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार नियमितीकरण के संबंध में सकारात्मक निर्णय ले भूमिधारकों ने महापौर दयाशंकर तिवारी को निर्देशित किया मऊजा वाठोड़ा खसरा नंबर एक पर 19 एकड़ जमीन के प्लॉट धारकों के मुद्दे पर महापौर ने विशेष बैठक की बैठक में महापौर दयाशंकर तिवारी पूर्वी नागपुर विधायक कृष्णा खोपड़े पार्षद अधिवक्ता धर्मपाल मेशराम पार्षद मनीषा कोठे अपर आयुक्त राम जोशी नागपुर सुधार के मुख्य अभियंता प्रणय एस एन चिमुरकर सहायक अभियंता बनसोड़ नासुप्रा विधि अधिकारी प्रियंका इरखेड़े राउत निगम सहायक विधि अधिकारी प्रकाश बर्दी उपस्थित थे बैठक की शुरुआत में नगर सेवक एडवोकेट धर्मपाल मेषराम ने पूरे विषय का विवरण प्रस्तुत किया वाटोड़ा में खसरा नंबर एक पर नागपुर इम्प्रूवमेंट प्रणायाम स्थल पर बारह लोग घर बना रहे हैं इस क्षेत्र में सड़क पेयजल सीवर लाइन आदि का विकास किया गया है नागपुर इम्प्रूवमेंट प्रणय की ओर से नोटिस जारी किया गया है कि निवासियों के घर अतिक्रमण में है अधिवक्ता धर्मपाल मेषराम ने मेयर से नागरिकों की सुरक्षा के लिए सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की विधायक कृष्णा खोपड़े ने कहा कि वाठोड़ा में खसरा नंबर एक की जमीन को नागपुर इम्प्रूवमेंट प्रणय ने लीज पर दिया था पट्टे की जमीन पर जमीनी मां लोक कल्याण सोसाइटी बनाकर जमीन बेच दी गई इस मामले में नासुपुरा की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई दो में तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस ने दो से पहले से नगर निगम नसूपरा नजूल राजस्व और निजी भूमि में रह रहे लोगों को पंजीकृत करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया विधायक कृष्णा खोपड़े ने कहा कि राज्य सरकार के इस निर्णय के संबंध में वाठोड़ा में खसरा संख्या एक में भूखंड धारकों के नियमितीकरण के संबंध में नासुपरा को बार बार पत्र भेजे गए थे सरकार के इस फैसले से बफर जोन की सीमा 500 मीटर से बढ़ाकर 300 मीटर कर दी गई है विधायक कृष्णा खोपड़े ने यह भी कहा कि 27 2019 की सत्ताईस अगस्त दो को नागपुर सुधार प्रणय के निदेशक मंडल की बैठक में मौजा वाठोड़ा खसरा नंबर एक सौ धरती माँ लोक कल्याण सोसाइटी द्वारा नासुपरा भूमि आरोप अतिक्रमण के प्रस्ताव को नियमित करने का प्रस्ताव पारित किया गया चर्चा के अंत में महापौर दया तिवारी ने कानूनी अधिकारियों से कानूनी मुद्दों की जानकारी ली उन्होंने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अतिक्रमण की कार्रवाई को तत्काल रोकने के निर्देश दिए यहाँ के निवासियों को कानूनी सुरक्षा कैसे प्रदान करे महापौर दया तिवारी ने इस बारे में सकारात्मक सोच कर इनके नियमितीकरण के संबंध में निर्णय लेने के निर्देश दिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक बीसीएन न्यूज नागपुर